पहलवानों के समर्थन में खापने की महापंचायत। टिकैत ने भरी हुंकार, सावधान मोदी सरकार। ऐसे ही पहलवानों को कह रहे कि ये तो किसी जाति के थे, ये तिरंगा जाति के थे। देश में जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसकी जाति है तिरंगा। क्या आने वाले टाइम पे कानूनों में ये संशोधन करेंगे कि जिस पे भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी? या फिर कानून ही बना दो कि गिरफ्तारी नहीं होगी हम पहले जांच करेंगे तो भी हम इनको सबको बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी, दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पैदा होगी। ये लड़ाई इसी की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहां पे भी बहुत फैसले हुए। फैसला तो यहां का सुरक्षित रखा, लेकिन ये जरूर रहा कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंजाब ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खाप प्रतिनिधि मिलेगा, सरकार से मिलेगा। और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। एक खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है। गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है, बिल्कुल कुछ नहीं है। सरकारों की आप चाल समझ लो, उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पे मुलायम सिंह का तोड़ा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करा, राजस्थान गए वहां पे उन बिरादरियों को तोड़ रहे हैं, यहां पे गए तो चौटाला परिवार तोड़ दिया सब, आगे गए गुजरात में गए तो मराठा नॉन मराठा करा, महाराष्ट्र में वहां पर पटेल नॉन पटेल करा। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जाति में बांटे कि किसान आंदोलन या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा लेकर ये इकट्ठे ना हो, इतनी नफरत इनमें पैदा कर दो। ऐसे इन पहलवानों को कह रहे कि ये तो किसी जाति के थे, ये तिरंगा जाति के थे। देश में जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसकी जाति है तिरंगा। ये उसके थे तिरंगे के। जब ये वहां पे पदक लेकर आए, इनने कोई अपना बोर्ड लगा रखा था? ये नेशनल फ्लैग लेके गए थे वहां पे। तिरंगे का ही विदेश में सहारा होता है और कोई सहारा नहीं होता। मांग तो यही है भाई, उसे विरज भूषण को गिरफ्तार कर लो और बस छुट्टी। विरज भूषण को गिरफ्तार कर लो, जो महिला उन पर बच्चे पर मुकदमा है उन्हें वापस ले लो। मांग तो यही है और की है, जो उनकी सुरक्षा के गाड़े में सुरक्षा गार्ड रहने चाहिए, फालतू उनके खेल न रहे। सरकार पे हमेशा कटाक्ष लगे, क्या सरकार लगता है बिल्कुल इस तरह से विफल है? पूरी विफल है जी, एक भी काम उनका सोड़ा नहीं है, सही काम एक नहीं है, पूरी सरकार पूरी विफल है। और विफलता का तो आप ये देख लो, एक दिन का ही तो रहा, परसों ही तो घोषणा करी थी परसों रात को, और आज देख लो कितना, बिना बहुत कम आदमी बुलाए यहाँ से, और कितने आदमी आ गए जो किसी को बुलाते थे, यहाँ से कम से कम लाखों आदमी इकट्ठा हो जाते। इस प्रकरण को सरकार जातिवाद में बांटती जा रही है? नहीं, जातिवाद तो या तो जातिवाद तो धुल गई। जाति कौन है यहाँ से बताओ? 10 जाति 10-15 बिरादरी यहाँ से आ रही थी, जातिवाद का तो कुछ हुआ ही नहीं। सभी खापों के चौधरी थे यहाँ से, सभी बिरादरी। हम उनके उनके मनसूब को कामयाब होने देने के, जो उन्होंने या कर दिया जातिवाद का या कहीं का या पार्टी का। एक तो बताओ, फांसी का तो काम उन्होंने कर रखा, इब भी समाज को इस तरह तो कर रहा। वो तो समाज के बीच में आकर माफी मांगे, समाज को कहे भाई मुझे बकस दो, मुझे माफ कर दो, कुछ बात इस तरह की। तो वो तो इतनी तकड़ी बात कर रहा है भी जने भाई, तू तो पता नहीं कितना बड़ा राजा महाराजा है। तो ये थोड़ा ये कानून तो सबके लिए बराबर। 5 दिन में 3.5 दिन है, 1.5 दिन हुआ इसमें, 3.5 दिन के भीतर भी वो चल रही बातचीत। इसमें जितने आदमी भी छटेंगे, इसमें 5, 7, 10, 15, 20 आदमी जितने भी छटेंगे, वे राष्ट्रपति जी तक मिलेंगे, गृहमंत्री जी तक मिलेंगे। टाइम लिया जाएगा उन तो बहुत जल्दी टाइम। सरकार बिल्कुल चुप है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सरकार तो एक तो बताओ, ये तो पिंजरे के तोते है, और तो वहाँ तो दो की चल रही, अमित शाह मोदी की, और तो
हमारी बात तो होती रहे, मैनू कह रहे कहने पे हम मजबूर है, हम नहीं बोल सकते। ठीक है सर, 5 दिन का समय दिया था, आज 3 दिन बाकी है अभी। हाँ 3.5 दिन बाकी। ये तो पंचायतों का इतना सिलसिला जारी रहेगा, कोई वो होगा, कोई निर्णय ठोस भी लिया जा सके, कोई पैदल यात्रा भी निकल सके, कुछ भी निकल सके, तो पूरे भारत का हो गया या थोड़ा एक भाई। क्या पहले तो जिस तरह का किसान आंदोलन चल रहा था, ऐसे ही भाई किसान आंदोलन और थी बात, वो किसानों में तो किसान आंदोलन में तो किसान की बात थी, या तो हमारी असमत की बात है, हमारी इज्जत की बात है, हमारे मान सम्मान की बात है।